हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश अपने चरम पर जाती दिख रही है। अभी तक विपक्षी दल ही अपने अपने तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता भी सरकार से जवाब मांगकर ब्राह्मण वोटरों को संकेत देने में लग गए। रिपोर्ट देखिए। यूपी में पिछले 3 सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, ब्राह्मणों के कितने हत्यारे पकड़े गए, ब्राह्मणों के कितने हत्यारों को सजा मिली, ब्राह्मण सुरक्षा पर सरकार की रणनीति क्या है, क्या ब्राह्मणों को आर्म्स लाइसेंस में प्राथमिकता मिलेगी, ये वो सवाल है जो 20 अगस्त से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के सत्र में पूछे जा सकते हैं। सुल्तानपुर जिले की लंबुआ सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा में नियम 56 के अंतर्गत यूपी के गृह मंत्री से इन सवालों का जवाब मांगा है। हालांकि जब तक इन सवालों को विधानसभा में स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक इन्हें विधानसभा में पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं कह सकते, लेकिन ये सवाल बताते हैं कि यूपी में ब्राह्मणों को अपना बनाने की होड़ कहां तक पहुंच गई है। लेकिन अब उनके अपने विधायक भी पूछने लगे हैं कि भाई सच्चाई क्या है और क्यों किसी एक वर्ग को, एक समाज को लेकर के उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। क्या एक ही जात के लोग अपराधी होते हैं? ये सवाल अगर प्रदेश में उठ रहा है और अब तो सत्ता पक्ष के विधायक इस सवाल को उठा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के ही विधान पार्षद उमेश द्विवेदी तो एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात भी कह दी। आगे भी तमाम सारे क्षेत्रों में, चाहे वो बीमा का क्षेत्र होगा कि उनके तमाम नौजवान अगर खत्म हो जा रहे हैं, उनकी बीवियों के लिए जो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ नौकरियां मिल जाए, उनको जो है कुछ इस तरह से अनुदान मिल जाए, इस पे तमाम सारा काम चल रहा है। ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात आई तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुरक्षा और सम्मान को ज्यादा जरूरी बता दिया। मायावती के मुताबिक यूपी भाजपा सरकार द्वारा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराने की बात इस वर्ग के प्रति केवल अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए ही लगती है, जबकि ब्राह्मण समाज को बीमा से पहले सरकार से अपने मान सम्मान और पूरी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए। ब्राह्मणों की सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी भी कूद पड़े हैं। शलभ मणि ने कांग्रेस पर 1948 में 50,000 ब्राह्मणों के कत्लेआम का आरोप लगाया। कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों को लुभाने की सियासत शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति लगाने का ऐलान किया। इसके जवाब में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी परशुराम की भव्य मूर्ति लगाने की घोषणा की। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर परशुराम जयंती की छुट्टी बहाल किए जाने की मांग उठाई। बीजेपी नेता और योगी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी ने भी परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया। यूपी में विधानसभा का चुनाव करीब 1.5 साल बाद होना है। माना जाता है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है। यही वजह है कि ब्राह्मणों के वोट पर अभी से दावेदारी होने लगी है। संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट लेकर। रणवीर, ट्विटर पर जब मैंने दर्शकों को बताया कि इस खबर पर हम आपसे डिटेल रिपोर्ट लेने वाले हैं, एक दर्शक ने बकायदा कमेंट लिखा है कि इस बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री की हम मांग करते हैं। यह सेंटिमेंट इस बात को तस्दीक देता है कि तिलक तराजू और तलवार से बहुत आगे निकल गया उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण एक बहुत प्रभावशाली जाति है और 1989 के बाद यानी 31 साल हो चुके हैं कि यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला है। ऐसे में जो ब्राह्मण नेता हैं वो बहुत प्रभावशाली होने के बाद भी मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पाए हैं। और अब क्या है कि ये जो पूरा मामला है इसको उठाया जा रहा है, ये अचानक आया हुआ कोई प्यार नहीं है, बल्कि टाइमिंग के लिहाज से 1.5 साल बाद की तैयारी है। 2022 के फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक समीकरण, जो जातिगत समीकरण होता है, उसको सेट कर रहा है। अब अगर यूपी की बात करें तो बीजेपी के पास राम है, तो राम के साथ अब अगर किसी और को जोड़ सकते थे तो वो थे परशुराम। ब्राह्मण एक ऐसा भगवान जो ब्राह्मण भी थे, जिनको ब्राह्मणों
के सामने पहले भी पेश किया जा चुका है। छुट्टियां घोषित हो चुकी थी उनकी जयंती पर, योगी सरकार ने सारे महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां रद्द कर दी। ऐसे में अचानक जैसे ही राम मंदिर के निर्माण की घोषणा हुई, भूमि पूजन हो गया, उसके बाद यूपी में ये कोशिश हुई कि ब्राह्मणों को रिझाया जाए, और इस सारी कोशिश के तहत अचानक से कई ऐसे मुद्दे उठाए गए अंदर खाने में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक ग्रुप्स पर, लोगों के घर जा जाकर मिलना और ये बताना कि विकास दुबे के साथ जो हुआ वो ठीक है, वो अपराधी था, लेकिन उसके परिवार के साथ गलत क्यों किया, उसका घर क्यों गिराया गया, बाकी ब्राह्मण अपराधियों का एनकाउंटर जिस तरीके से चुन चुन कर हो रहा है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, तो विजय मिश्रा जो बाहुबली विधायक है उनकी गिरफ्तारी होती है, तो कई ऐसे मामले जो ब्राह्मणों को जोड़कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है, ये पूरी की पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण को साधने। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस जानकारी के लिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, इसमें जो भी अपडेट हो।